टिकट बढ़ते ही शुरू हुआ सिर फुटा हुआ। कार्यकर्ताओं की किच किच करेगा डब्बा गो। हार से बचने के लिए संघ की आईया, बीजेपी ने लगाई संघ से फरियाद, संघम शरणम गच्छामि। या तो टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में सिर्फ उठावल तेज है। आलम यह है कि कार्यकर्ता सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को घेर घेर कर 30 सालों की मेहनत याद दिला रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी में जब बीजेपी को इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजर आने लगी तो इसमें हार भी दिखी और तब तय हुआ संघम शरणम गच्छामि। टिकट बंटवारे के बाद जब किचकिच कानों को चुभने लगी, जब अपने कार्यकर्ताओं की बगावत बेइज्जती की तरह लगने लगी, जब उनकी बगावत में हार नजर आने लगी, तब संकट मोचक की तरह याद आई संघ की। तब फैसला हुआ संघम शरणम गच्छामि। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जवानी दे दी, उन्हें पार्टी एक पार्षदी का टिकट भी ना दे सकी, तो बगावत होना ही था। बगावत का आलम ऐसा कि मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान को भरी सभा में एक कार्यकर्ता ने खरी खरी सुना दी। चवालीस साल से इस पार्टी को मैं सींचता रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे बूथों पर लट खाते हैं, डेढ़ पैसे के होमगार्ड से हमारे बच्चों को धुकारते हैं। इन लोगों को विधायक, मंत्री, चेयरमैन, सभासद हम बनवाते हैं। अब की बात 44 साल में पहली बार मैं इनसे कुछ मांगा और इन लोगों ने जूते की लोक पर रख दिया। बीजेपी में विरोध की कुछ कहानियां अभी बाकी हैं। शाहजहांपुर में दूसरे दल से आए जेसी प्रसाद को टिकट मिला। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। कई जिलों में सपा और बसपा से आए लोगों का सहारा मिला। फरुखाबाद से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता सुधांशु दत्त ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। फरुखाबाद से बाहर की रहने वाली और बड़ी व्यापारी मिथिलेश अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया। दो दर्जन जिलों में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। कुछ हमारे दल के लोग जिन्होंने नामांकन कर दिया है तो वो अपने परिवार के लोग हैं और हमारा नेतृत्व उनको समझा के उनको ठीक कर लेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। केपी मौर्य के इलाके में कार्यकर्ताओं ने पार्टी का सिंबल तक छोड़ दिया। लिहाजा कार्यकर्ताओं की घोर नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी फिर से संघ का सूत्र अपना रही है। संघ से बातचीत के बाद उसके नुमाइंदे उन जिलों में भेजे जा रहे हैं। संघ के पश्चिम क्षेत्रीय प्रचारक आलोक कुमार शाहजहांपुर जाकर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएंगे। यही हाल मथुरा, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर और गोरखपुर में भी है। एक तरफ सीएम खुद चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनके इस मुहिम को कमजोर कर रही है। बहरहाल सबको इंतजार है क्या संघ रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब होता है या नहीं। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संकेत मिश्रा। तो एक तरफ बीजेपी ये ख्वाहिश पाल रही है कि 16 के 16 नगर निकाय वो जीत लेगी, मुख्यमंत्री खुद इस प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता लगातार नाराज हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। सारे मेहमानों से तारुफ करा दिया आपका, कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, नवीन श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी और अब्दुल हफीज गांधी साहब नेता समाजवादी पार्टी, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन श्रीवास्तव साहब, आपको लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी नुकसानदायक हो सकती है आपकी पार्टी के लिए और संघ ही एकमात्र सहारा है? देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व कार्यकर्ता आधारित तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। 11 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन जो है कार्यकर्ता कितना पुराना है, कितना निष्ठावान है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और राष्ट्रवाद का कितना बड़ा समर्थक है, यह होता है। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हम जब प्रत्याशी का चयन करते हैं तो अंत में कहीं न कहीं एक चीज और प्रमुखता से होती है कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है। जब हमको 40 लोगों, 50 लोगों में, एक एक हमारे सभासद के एक एक सीट पर 40-50 नाम आए, और ऐसा इसलिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश और देश की राज्य में सत्ता में आई, लेकिन उसके पहले भी स्थानीय निकायों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण वर्चस्व रहा, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी
माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार के 3.5 साल के कल और जिन कार्यकर्ताओं पर आपको इतना भरोसा है, जिन कार्यकर्ताओं पर आप इतना भरोसा दिखा रहे हैं, वो कार्यकर्ता आपके मंत्रियों को, आपके सांसदों को, आपके विधायकों को रोक रोक कर देखिए क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए जिस कार्यकर्ता, देखिए जो भी एस्पिरेंट है टिकट के, उनको अगर टिकट नहीं मिला तो एक मन में आक्रोश निश्चित रूप से थोड़ा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब काम करने के लिए कार्यकर्ता आता है तो वह किसी लाभ के लिए नहीं आता है, वह देश को मजबूत करने के लिए, भारत माता को। नहीं सर, आपका एक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 44 साल से वो सेवा कर रहा है, एक पार्षद का टिकट उसने मांगा, वो भी पार्टी नहीं दे सकी। नहीं, फायदा तो कार्यकर्ता देख ही रहे हैं, उसने टिकट मांगा और वो कार्यकर्ता आपके लगाम में नहीं है, आपके दायरे में नहीं, आपकी सुन नहीं रहे। देखिए ये तो देखिए अनुपम जी, हर राजनीतिक दल में है थोड़ी बहुत, तो कहीं ना कहीं हर परिवार में दिक्कतें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो 11 करोड़ सदस्यों का परिवार है, जहां पर हर व्यक्ति पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद वो किसी और संगठन के हिसाब से किसी न किसी दायित्व पर है। अन्य दलों की तरह नहीं है कि जहाँ सिर्फ परिवार ही सब कुछ है, बाकी सब लोग कार्यकर्ता है चाहे जो है। तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत पर टिकट न मिलने कार्यकर्ताओं की चुनाव में एक ही कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक ही कार्यकर्ता का वोट महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी पार्टी का 40 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा है, सारे कार्यकर्ता चुनाव के बाद जो है, तो ये एक बड़ा नुकसान है आपको, आप माने ना माने। कृष्णकांत पांडे साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। पांडे साहब, कमोवेश हालात कांग्रेस में भी यही है, टिकट बंटवारा हुआ, चलिए इनके पास तो संघ का सहारा है, आपके पास किसका सहारा है? ये हमारे पास जनता का सहारा, इस देश का सहारा, और हमारे पास क्या, हम तो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टियों में एक है, तो हमारी तो और परिवारवादी पार्टी है। नवीन श्रीवास्तव कह रहे थे थोड़ी देर पहले, नवीन श्रीवास्तव जी का इशारा किस तरह था मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक परिवारवाद का सवाल है, मैं अगर आप पूछ ही रहे, आपने क्लियर ही करना चाहा, तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि 60 कांग्रेस की 1889 से लेकर अब तक 60 अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें नेहरू परिवार के 5 अध्यक्ष रहे हैं, 55 अध्यक्ष हमारे और रहे हैं। यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये, और दूसरी चीज अनुपम जी 30 सेकंड में एक और चीज बताना चाहूंगा, जो लोग बहुत आसानी से परिवारवाद का नाम ले लेते हैं, उनका इशारा चाहे जिस तरफ हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की, किसी तरफ हो, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1925 तक 42 तक वंदे मातरम गाने में सर्व किया, तिरंगे को मानने में सर्व किया, वह क्या जाने परिवार की बात और देश की बात? जिस परिवार ने इस देश के लिए 10-10 साल 15-15 साल जेलों की यात्राएं सही है, सर, जिस परिवार है कि इससे पहले ये डिबेट परिवारवाद पर हो जाए, अनुपम जी नगर निकाय पर आ जाते हैं, जिस परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ जेलों में बिताई है, उनको क्या पता है? वो नहीं सर, लग रहा है कि दुखती रख पर नहीं, नहीं, एक दिन में 15, अगर आप इतनी सफाई देंगे तो सर लगता है ऐसा कि दुखती रख पर शायद हाथ रख दिया उन्होंने। और देशवाद, नगर निकाय चुनाव पर आइए सर, कांग्रेस के कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा हुआ, आपके कार्यकर्ता जिसे आप अनुशासित कार्यकर्ता कह रहे हैं घाट में वो हंगामा करने वाले थे। अनुपम जी एक लाइन में आपका जवाब दे रहा हूँ, श्मशान घाट में शांति बहुत ज्यादा होती है, जहां भी कुछ रहेगा हंगामे होंगे, वो किसी भी पार्टी की बात हो। कांग्रेस पार्टी एक बार 16 नगर निगम में, इस बार 20 साल के जो रिकॉर्ड है, जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का अधिकांशता नगर निगमों पे खर्चा है, 20 साल से ज्यादा समय से कब्जा है, वह भ्रम तोड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी फिर से नगर निगमों में सत्तारूढ़ होने जा रही है। तो हाँ सर, आपकी हालत क्या है मैं बताता हूँ, सर आपकी हालत क्या है मैं बताता हूँ। गाजियाबाद में डॉली शर्मा नाम के एक प्रत्याशी जो योगी के नारे लगा रही थी, जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लिया, सभासद का भी टिकट नहीं दिया जब बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया अनुपम जी, और मेयर लोकतंत्र मेयर का उम्मीदवार बनाया। हमसे टिकट मांगेगा नहीं पाएगा तब तक मोदी लगाने लगेगा, कोई उनसे मांगेगा नहीं पाएगा तब तक हमारा कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया सर, ये सब लोकतंत्र में चलता है। आपके पास उम्मीदवार नहीं थे, वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ कुसुम शर्मा, हमारे कई लोगों ने आज नामांकन वापस लेने का भी काम लोग कर रहे हैं सर। कुसुम शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा रहा था, आनंद फानंद में आपने ये निर्णय भी बदल दिया, कुसुम शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा रहा था, प्रेमा अवस्थी आज हमारी उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के बड़े पुरानी परिवार से है, और ऐसी स्थिति में देखिए उम्मीदवार बनाना कब किसको बदलना है पार्टी का सर, मानिए ना कि आपके पास अचानक उस निर्णय में उन लोगों की कमी थी, उन योग्य लोगों की कमी थी सर, आखिरी वक्त में आप निर्णय बदल रहे हैं, पहले आपने किसी और को टिकट देने का फैसला किया, फिर अचानक आखिरी वक्त तक जिसपे हमें लगेगा कि पार्टी का पुराना वर्कर जिसको हम जिताने, डॉली शर्मा सर कहां निर्णय बदल, नहीं
गाजियाबाद से जिसको आपने टिकट दिया है, आप बताइए कि क्या वो पार्टी की वर्कर थी आपकी, आपने हाथों हाथ लिया है कृष्णकांत पांडे जी? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा कि राजनीति में, लोकतंत्र में कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ परसेंट ऐसे होते हैं कहीं कहीं से लेने देने पड़ जाते हैं, उसको हम 100% नहीं सुधार सकते। जिसे बीजेपी सभासद के लिए योग्य नहीं मान रही थी, जिसे बीजेपी सभासद के लिए योग्य नहीं मान रही थी, आपने मेयर का टिकट दिया है। हमने कांग्रेस के लोगों ने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में अधिकांश जगहों पे, मोस्टली जगहों पे कांग्रेस कार्यकर्ता को मैदान में उतारा। ठीक है, जिसे आप जिताऊ मान रहे सर, मैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूँ। जिस डॉली शर्मा को बीजेपी सभासद के लिए योग्य नहीं मान रही थी, आप मेयर के लिए योग्य मान रहे हैं? नहीं, अब बीजेपी क्या नहीं मान रही थी बीजेपी को, मैं बताऊं उन्होंने लखनऊ में किस तरह का उम्मीदवार उतार दिया है। अब किसको व कौन सा उम्मीदवार नहीं मान रहे थे, हमने मान लिया। नहीं तो बताइए सर, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आपको बताना चाहिए। मुझे लगता है कृष्णकांत पांडे साहब बताना चाहिए आपको। अनुपम जी, जिसे बीजेपी, आपने कहा नहीं, आपकी बात सही है, बताना जरूर चाहिए, जिसे बीजेपी सभासद का उम्मीदवार नहीं मान रही थी अपना कैंडिडेट, उसे हमने अगर मेयर का माना तो निश्चित रूप से हमारा अनुभव बीजेपी से ज्यादा है। हमारा आईक्यू कहता है कि वो मेयर बनने के लायक और सभासद के लायक लगता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम नवीन श्रीवास्तव से जवाब ले लेंगे। ठीक है, तो फिर आप सर, आप अनुभव, ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है सर, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। इस अनुभव के आधार पर फिर आप ये मत कहिए ना, मत कहिए ना कि जिताऊ कैंडिडेट दे रहे हैं और हम पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, मत कहिए, आपको कोई नैतिक हक नहीं है। आप ये मत कहिए सर, जो आदमी अब तक बीजेपी में था, आप हाथों हाथ ले रहे हैं और कहते हैं आपका ये अनुभव है, जिताऊ कैंडिडेट उतारे, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, क्या गाजियाबाद में एक भी कांग्रेस का पार्टी कार्यकर्ता आपके लिए योग्य नहीं था? पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान। अब्दुल हफीज गांधी साहब, समाजवादी पार्टी में भी कमोवेश यही आलम है सर, यही। अनुपम जी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा दूसरी पार्टियों की तरह हाल है। हमने अपने कार्यकर्ता का हमेशा सम्मान किया है और हमने अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर हमने दाव खेला है। बरेली में अनिल शर्मा के साथ क्या हुआ? आप खेला है। समाजवादी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक अनुशासन रखने वाली नहीं पार्टी सर, है। कानपुर में पार्टियों की तरह नहीं। सर सुनिए, आप ये गांधी साहब, कानपुर में जैसे टिकटों का ऐलान हुआ, आपके कार्यालय में पहुंचकर आपके कार्यकर्ता वहां मारपीट करने लगे। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, टिकटों की संख्या सीमित है, कार्यकर्ता असीमित है, तो ये जो असंतुष्टि है ये आना वाजिब है और ये होगा, लेकिन वो जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है वो भी हमारे कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं हम उन्हें मनाएंगे, हम उन्हें हाथ पैर जोड़ेंगे और पार्टी हित में और देश हित में और उत्तर प्रदेश के हित में काम करने के लिए कहेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो मानेंगे, क्योंकि वो कहां जाएंगे अगर वो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे रहेंगे। इस तरह की चीजें आप परिवार में भी देखिए, परिवार में शादी ब्याह होते हैं तो चाचा मौसी ताऊ रूठते हैं, लेकिन मनाते हैं, जाते हैं जो आपके पार्टी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, आपके नेताओं को मारते हैं, वो अनुशासित कैसे हो सकते हैं? हमारी जो अनुशासन की स्थिति है वो दूसरी पार्टियों से भिन्न है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की बात करें, संख्या बल की बात करें, लेकिन क्वालिटी ऑफ कार्यकर्ता तो है ही, ये अनुशासन के कार्यकर्ता है। आप कौन सा अनुशासन है सर, आप ये बताइए लोगों को, लेकिन क्वालिटी उनकी क्या है ये नहीं देखते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, आज वो पार्टी विद डिफरेंसेस है, और आप देखिए कि हर पार्टी में कमोवेश कार्यकर्ता मान गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्वालिटी आपने ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि जो ये क्वालिटी कहा जाता है, मैं बता रहा हूँ सर, क्वालिटी सुनिए, समर्पित है भारतीय जनता पार्टी। दिनेश शर्मा को टिकट आप देने वाले थे, उन्हें भरोसा दिया गया था। नहीं सुन लीजिए सर, आप बरेली से दिनेश शर्मा को टिकट मिलने वाला था, आपने आखिरी वक्त पर टिकट काट दिया। पिछली बार उनकी पत्नी को आप टिकट देने वाले थे, लेकिन उनका टिकट जब कट गया तो आपने कहा कि आप उन्हें एमएलसी बना देंगे, उन्होंने नामांकन तक दाखिल कर दिया और मालूम आखिर में यह चला कि आपने किसी और को उम्मीदवार बना दिया। यह है क्वालिटी आपकी। देखिए मैं आपको बताता हूं कि पुराने कार्यकर्ताओं का हमेशा पार्टी सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन जो विनेबिलिटी फैक्टर है तो देखना चाहिए ना सर, जो कार्यकर्ता टिकट, अलग अलग जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं उसमें से पार्टी देखती है और जिसको उचित समझते, मैं समझता हूं कि ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, ये अधिकार है पार्टी का, और ना ही इस अधिकार को मीडिया अफेक्ट कर सकती है और ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अफेक्ट कर सकती है। पार्टी कार्यकर्ता सम्मान करते तो दिनेश शर्मा ये जवाब दे हैं, आप ये नहीं कहते कि 10 सालों से वो टिकट प्रत्याशी को उतारना है, समाजवादी को नहीं उतारना है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी कंसिडरेशन है, और सबसे ज्यादा जो कंसिडरेशन समाजवादी करती है वो कार्यकर्ता की निष्ठा देखती है कि पार्टी के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति इसका क्या दायित्व है। इन सारे चीजों को देखकर हमारी पार्टी टिकट देती है और हमने पूरा भरसक प्रयास किया है कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा गांधी साहब, क्योंकि ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है, देखिए उनको विधानसभा में मौका नहीं मिलता है, लोकसभा में मौका नहीं मिलता है। भाषण मत दीजिए, मैं कार्यकर्ताओं को मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिनेश शर्मा कोई एक दिन के, एक महीने के, एक साल के कार्यकर्ता नहीं थे आपकी पार्टी में?
एक दिन के एक साल के कार्यकर्ता नहीं थे वो, उन्होंने दो मेयर का चुनाव आपको जिताया, वहां पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने टिकट नहीं दिया, उनकी पत्नी तक को आप कहकर टिकट नहीं दे रहे। देखिए अनुपम जी बहुत बार टिकट कटते हैं, लेकिन ये अंतिम नहीं है। आने वाली चीज में पार्टी क्या दे सकती है क्या नहीं दे सकती, बहुत अपार संभावनाएं हैं, और यदि इसको कोई अंतिम सत्य मानकर बैठ जाए और रूठ जाए और रुष्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा राजनीतिक सोच नहीं होगी। राजनीतिक सोच ये कहती है कि लंबा एक राजनीतिक करियर है, इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं राजनीति के अंदर, और मैं समझता हूं कि अगर किसी का टिकट कटा है तो आगे भी चांसेस हैं, राजनीति में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। देखिए संभावनाएं अधिक हैं, मौके सीमित हैं, गारंटी नहीं है। देखिए बहुत कुछ हो सकता है, मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं को धैर्य रखना चाहिए, राजनीति धैर्य का काम है, और राजनीति बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है राजनीति के अंदर। इन सारी चीजों को यदि आप समझते हैं तभी मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर सफलता पाई जा सकती है। अगर राजनीति में जो आप इससे ऐसा उम्मीदवार बीजेपी के लिए सभासद राजनीति में बहुत नहीं था, कांग्रेस उसे मेयर के लिए उम्मीदवार बना देती है और कहती है कि बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, और अनुभव के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया। देखिए कृष्णकांत जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, और इसी तरह से इनकी पार्टी भी बहुत पुरानी है, बहुत अनुभवी है, और हमने किसी को किस योग्य समझा, इन्होंने किस योग्य समझा, ये इनका अपना जुरिडिक्शन है। लेकिन अनुपम जी वास्तविकता क्या है, जमीनी धरातल क्या है कि स्थानीय निकाय में तो जब हम प्रदेश और केंद्र में नहीं थे तब भी हमारी ही वर्चस्व था, हमारा ही बहुमत था। आज तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में जो काम किए हैं उसको लेके जो उत्साह का वातावरण है उसको लेके बाकी पार्टियों में कुछ नहीं है। इनको प्रत्याशी ठीक है, ये नहीं सर, मेरे पत्रकार ये नहीं कह सकते एक पद करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र ने कहा कि हकीकत ये कि आपके पीछे संघ है, कार्यालय पर भीड़ नहीं है श्रीवास्तव जी, हकीकत ये है कि आपके पीछे संघ है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी सोच का सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक, उसका कहीं कोई राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे प्रत्याशियों का, ऐसे राजनीतिक दलों का। तो फिर क्यों जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आप आरएसएस के पास? नहीं क्यों जा रहे हैं सर जी, लोगों को बताइए कि आप कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आरएसएस के पास क्यों जा रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैंने पहले बताया कि एक विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्र भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो ऐसे लोगों की मदद करता है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे कहीं कोई प्रत्याशी के खिलाफ कहीं कोई चीज है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो सकता है वो कार्यकर्ता हो, उसके हक में, देश के हक में कहीं अगर जाकर संघ का कोई पदाधिकारी बात कर रहा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं समझा जाना चाहिए, वो राष्ट्रवाद का, देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी मदद मांग रही है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर लोगों को मना रहा है, तो हम इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मदद कैसे ना माने? जी ये हमेशा से डिबेट के विषय और आरएसएस ने कभी क्या कांग्रेस की मदद की सर? आप ये राष्ट्रीय ऐसा कोई इतिहास बता दीजिए या किसी दूसरे दल की मदद? कई बार ऐसे मौके आए हैं 1971 की लड़ाई में राष्ट्रीय यही है, इंदिरा जी का खुलकर समर्थन किया था, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर सच यही है कि आरएसएस को आपने सांस्कृतिक संगठन के नाम पर एक राजनीतिक संगठन बना दिया है और इसलिए आप उसकी मदद लेने जा रहे हैं, आप बताइए लोगों को। नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा, देखिए दो दूसरे दल के लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं ये आपका विषय है, भारतीय जनता। हाँ एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी सोच की हाफिज गांधी मात्र है और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं, इस नाते कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके लिए मदद करता है। देखिए अनुपम जी, नवीन जी कह रहे हैं कि आरएसएस एक बहुत सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रहा है। सरदार पटेल जी ने जब 1949 और 50 के तहत जब बैन हटाया था आरएसएस से तो दो कंडीशन लगाई थी कि आप एक राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और झंडे का सम्मान करेंगे, झंडा फहराएंगे। लेकिन आरएसएस ने उस जो कंडीशंस का सम्मान नहीं किया और एक साल बाद ही जनसंघ नामक एक इंस्टीट्यूशन था उसको जो है लॉन्च कर दिया। उसके बाद आरएसएस मुस्तकिल जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती आई है, चाहे वो जनसंघ रहा हो चाहे बीजेपी रहा हो, तो आरएसएस एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है और आरएसएस के बगैर कोई भी चीज डिसाइड करना भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, सब नागपुर से आते हैं, समाजवादी पार्टी सारे के सारे डायरेक्शन नागपुर से आते हैं। देखिए ये तो आरोप ऐसे राजनीतिक दल लगा रहे हैं जहां पर निर्णय घर में बैठ के ही हो जाता है, घर के एक दो सदस्य ही निर्णय ले लेते हैं कि कौन क्या बनेगा, कौन पार्टी का अगला अध्यक्ष बनेगा, उस परिवार में जन्मा व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकता है। ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों, देखिए
आज सोनिया जी अस्वस्थ हैं, राहुल जी तैयारी में हैं। राहुल जी अध्यक्ष का चार्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बहुत तेजी में थे उनका, हम लोग भी सुन रहे थे, आप लोग भी बता रहे थे कि अध्यक्ष बनने वाले हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल के संभावित परिणाम को देख के उनकी ताजपोशी रोक दी गई। मैं तो जो हमारी पार्टी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और मुझको बड़ा कहने में वो लग रहा है कि राहुल जी अगर शादी नहीं करेंगे उनका बच्चा नहीं होगा। सवाल घुमाइए मत, अगला निकाय चुनाव पर आइए और संघ के रोल पर आइए, समाप्त हो जाएगी। आखिरी वक्त में संघ के पास क्यों जाना पड़ा? देखिए नहीं कतई ना, देखिए राष्ट्रीय हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रवाद की सोच से हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक भी हैं, क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों में एकरूपता है कि भारत को कैसे मजबूत किया जाए, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए। कृष्णकांत पांडे का जवाब सुनिए। जी अनुपम जी, कांग्रेस पार्टी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने किया बहुत बहुत साधुवाद कि कैसे कांग्रेस पार्टी शादी विवाह तक लेके गए, और यह सही है कि हिमाचल बाबा कहने लगे लोग, इसलिए दिक्कत हो, पापा बन नहीं पाए बाबा लोग कहने लगे, अब बेटा नहीं होगा उनका तो कांग्रेस का अगला उत्तराधिकारी अध्यक्ष कौन होगा? इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष रहे, कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत रहे, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं होगा तो कौन विपक्ष रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, हम तो हमेशा बीजेपी युक्त भारत की बात करते हैं। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कांग्रेस अकेले रह के क्या करेंगे? हम तो हमेशा विपक्ष युक्त भारत की बात नहीं, फिलहाल पांडे साहब तो भारत की कल्पना करते हैं। आज गुजरात में जो स्थिति हुई है कि अपने प्रांत में जहां 22 साल से सरकार चल रही हो, आज वहां 50 मिटके करनी पड़ जाए। पांडे साहब क्या इस पर चिंता नहीं है? बीजेपी के पीछे तो संघ है, बीजेपी के पीछे तो संघ है, वहां हुई है, बीजेपी का काम तो चल जाएगा, संघ है उसके पीछे, एक सांस्कृतिक संगठन जिसे जिस आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन बना रहे वो बीजेपी के पीछे है। अनुपम जी, बीजेपी का काम सिर्फ इसलिए नहीं चल पाएगा कि उसके पीछे संघ है, अगर शायद उसके पीछे संघ न होता तो बीजेपी का काम चल जाता। संघ और बीजेपी को आप अलग अलग डिफाइन करके न चलिए, हमारा मानना है बीजेपी संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, संघ उसका मालिक है, वो मदर बॉडी उसकी है, और बीजेपी हो चाहे इनके जितने भी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जितने भी हो, सब उसके अनुसांगिक संगठन है, इसलिए संघ और बीजेपी को हम अलग मान के नहीं। सर ठीक है तो लेकिन इन संघ क्या संघ के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को तो मना लेंगे, आप कैसे मनाएंगे? कैसे मना लेंगे? नहीं, यह संघ के जरिए कार्यकर्ता को मनाए, चाहे यह बजरंग दल के द्वारा मनाए, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मनाए, एबीवीपी के द्वारा, बस सिमी और आईएसआई के माध्यम से हम नहीं मनाएंगे। अनुपम जी उससे क्या लेना देना? सिमी और आईएसआई के माध्यम से हम नहीं मनाएंगे, इतना आप पक्का विश्वास रखिए। हमारे कार्यकर्ताओं को देश प्रेम आता है, उनको पता है, निश्चित रूप से यह कार्यकर्ताओं का अगर गुस्सा है, उनको टिकट नहीं मिला है, अगर उन्होंने नॉमिनेशन किया है या उन्होंने कुछ इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो उनका ये गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जो लोग बहुत दिनों से पार्टी में, निश्चित रूप से 40-50 की डिमांड होगी, एक को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से क्षणिक मतलब नाराजगी होगी, लेकिन वह क्षणिक नाराजगी राष्ट्रहित के मुद्दे पे, नगर निकायों के चुनाव को लेकर के सारी चीजों पे दूर होगी। 20 साल से ज्यादा 12 नगर निकायों पे, नगर निगमों पे इनके कब्जे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज भी स्वच्छता का रोना रोया जा रहा है, आज भी इनके पास मतलब मैन पावर नहीं है, आज भी सारी चीजें नहीं है, कहा जाता है कि पांडे साहब अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के सवाल पर आइए, शायद अगर ये नाराजगी दूर कर लेते तो 7 सीटों पर विधानसभा में आप नहीं सिमट जाते। मैं सारी पार्टियों को ये सोचने की जरूरत है सर, ये नाराजगी है इस वजह से तो थोड़ा सा सोच का अंतर है, थोड़ा सा सोच का अंतर है। 7 सीटों पे विधानसभा में सिमट जाना कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मामला नहीं है। हम चूंकि दिल से राजनीति करते रहे, हम जनता को झूठ बेचने में कामयाब नहीं हो पाए, और जो लोग झूठ बेचने में कामयाब हो पाए, जनता के साथ दिमाग की राजनीति करते रहे, वो भारी पड़ गए। जो लोग हर चीज को इस तरह से समझाते रहे कि जनता किस तरह से चलिए सर वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सारे दलों को ये सोचना होगा, कार्यकर्ता कैडर एक संपत्ति होती है किसी भी दल के लिए, और अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाए चुनावों में तो इसका भारी नुकसान हो सकता है चुनावों के दरमियान, और पार्टी की छवि पर भी इसका खराब असर पड़ता है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं।